अब यहां पे हम देखेंगे न्यू ऑपरेशन रीनेम, और रीनेम का सिंबल है रो। नाउ रीनेम का हम यूज कब करेंगे, तो पर्टिकुलर सपोज हम करते हैं एक नया टेबल, एक टेबल में से दूसरा एक टेबल नया बनाते हैं, तो उस टेबल को हमें नया नाम लेना हो, या फिर एक एग्जिस्टिंग टेबल को एक नया नाम देना हो, तो वो यूज आगे क्या होगा वो हम करेंगे। लेकिन अभी पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मेरे पास टेबल है एक्स और इसमें एट्रीब्यूट्स है ए बी एंड सी। ओके, नाउ ये जो एट्रीब्यूट्स, तीनों एट्रीब्यूट्स है, इसमें मैं एक सिंपल सी क्वेरीफायर करता हूँ। जैसे कि यहां पे मैं कुछ रो सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि टपल सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और यहां पे मैं कंडीशन सी, सी एट्रीब्यूट नहीं है, सी कंडीशन है, टेबल एक्स पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं। और ये जो कंडीशन है, यानी कि हम सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें टेबल का एक पूरा पार्ट मिलेगा, एक पूरा स्कीमा मिलेगा। ओके, तो वो स्कीमा में से मुझे प्रोजेक्ट करवाना है ए एंड बी। ओके, अब मैं पहले सिलेक्शन की क्वेरी फायर करता हूं और उसमें से मैं सिर्फ ए बी को प्रोजेक्ट करवा रहा हूं। तो सपोज मुझे यहां पे एक नया रिलेशन मिलेगा, यानी कि इसका आउटपुट मिलेगा ए बी। ओके, अब ये टेबल को मुझे रीनेम करना है, यानी कि एक जो नया टेबल मुझे जो मिल रहा है उसको मुझे रीनेम करना है। ये जो मेरा पूरा क्वेरी है उसको मुझे रीनेम करना है, तो यहां पे मैं लगाऊंगा रो एम्प्लॉय एंड सी डी। अब रो एम्प्लॉय सी डी ये मैंने क्या किया, तो यहां पे पर्टिकुलर अगर रीनेम की बात करें तो रीनेम में हम रिलेशन का भी, टेबल का भी नेम चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज जो एट्रीब्यूट होते हैं उसका भी नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो एक्स को रिप्लेस कर, यानी कि ये जो एक्स टेबल था उसको रिप्लेस करके अब ये टेबल हो जाएगा एम्प्लॉय। और यहाँ पे सी और डी है, तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है ए और बी, तो ए की जगह पे सी आ जाएगा और बी की जगह पे डी आ जाएगा, यानी कि ये एट्रीब्यूट को भी रीनेम कर देगा। तो यहाँ पे अगर जनरल सिंटेक्स की बात करते हैं, तो जनरल सिंटेक्स रीनेम की क्या है, रो यहाँ पे रिलेशन नेम आर एंड एट्रीब्यूट्स, ओके, एंड यहाँ पे कौन से रिलेशन से हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे सपोज रिलेशन आर वन है उसमें से आर। दिस इज जनरल, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स या रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज इन माई वर्ड्स इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ अब थोड़े एग्जाम्पल्स परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ रिलेशन का नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रो और एक्स और यहाँ पे एम्प्लॉय। ओके, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात करता हूं, तो मुझे एम्प्लॉय टेबल को अभी वापस से एक्स कर देना है, यानी कि मुझे अभी एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज नहीं करने हैं, बट मुझे सिर्फ एम्प्लॉय को वापस से एक्स बना देना है, तो ये रिलेशन का नेम चेंज होगा। नाउ अगर मुझे रिलेशन का नेम चेंज नहीं करना है बट एट्रीब्यूट्स का नेम चेंज करना है, तो रो ए कॉमा बी एंड एम्प्लॉय। अब यहां पे क्या होगा, ए कॉमा बी की जगह पे मैं सी एंड डी कर देता हूं, तो यहां पे एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज होंगे, रिलेशन का नाम चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉय रहेगा बिकॉज यहां पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। नाउ सपोज मुझे यहाँ पे दोनों का नेम चेंज करना है, तो ये हमने देख ही लिया था, तो यहाँ पे मैं एक्स सी एंड डी परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय का नेम चेंज हो जाएगा एक्स से, एंड सी एंड डी एट्रीब्यूट्स के भी नेम चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में ए और बी एट्रीब्यूट्स है, अब ए और बी दोनों में से मुझे सिर्फ ए का नेम चेंज करना है, बी को एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रो एंड मुझे ए को एज इट इज रखना है, तो ए को एज इट इज रखेंगे और बी की जगह पे मैं दे देता हूँ डी, और ये एम्प्लॉय में परफॉर्म करना है। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का टेबल का नेम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा एक्स, तो ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं बी चेंज करना चाहता हूँ, सॉरी ए चेंज करना चाहता हूँ और बी को एज इट इज रखूंगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी,
सी एंड बी. ओके, तो बी एज इट इज है और जो स्कीमा की जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे नेमिंग करनी है. ओके, सो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दे होंगे उसकी जगह पे आप कोई भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हो. अगर नेम चेंज नहीं करना है तो वो एट्रीब्यूट्स को हम वही रखेंगे. नाउ यहाँ पे ये चीज कब काम आएगी, सपोज मैं अगर ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ, ज्वाइन दैट मीन्स कि हम यहाँ पे दो टेबल को ज्वाइन करते हैं. सपोज यहाँ पे मेरे पास एक टेबल ए है और मैं ए को ए के साथ नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ. नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे मैं परफॉर्म करूंगा तो नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास एक नया टेबल आएगा ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद. तो ये जो नया टेबल आएगा उसको मुझे नेम देना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं नेमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे हम रो अप्लाई करेंगे. सो ये बेसिक ऑपरेशन था नेमिंग का. इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस बहुत कम होंगे बट ये प्रैक्टिकल यूज में ज्यादा आता है और यहाँ पे आगे भी हम इसका यूज करेंगे ज्वाइन के अंदर एंड मेनी मोर वेज आर देयर. सो आई होप ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल.